यमुनानगर पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जिन पर चोरी लूटपाट समेत दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। इंटरव्यू के लिए बस के इंतजार में खड़े बीटेक के छात्र के साथ ऑटो सवार दो बदमाशों ने लूट की, उसके बाद घायल कर वहीं छोड़कर फरार हो गए। स्पेशल सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। बताया जाता है कि दोनों आरोपियों ने जिस ऑटो में वारदात को अंजाम दिया वही ऑटो भी 10 दिन पहले जगाधरी से चोरी किया गया था। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि दो युवक वारदात की फिराक में जोड़िया नाका के पास घूम रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस रेड टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जिनकी पहचान लक्ष्मीनगर कैंप निवासी प्रिंस उर्फ गोली व कैंप निवासी राहुल उर्फ गंजा के नाम से हुई। आरोपी प्रिंस उर्फ गोली पर पहले 32 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी गंजा पर 17 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। दोनों आपस में दोस्त हैं और लंबे समय से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक रिसेंटली वारदात 30 जनवरी को हुई थी जिसमें एक जो व्यक्ति है मोहम्मद कासिम है उसके साथ लूट की घटना हुई थी और दो ऑटो सवार युवकों ने सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। मैं ब्रीफ कर देता हूं, इसमें एक मोहम्मद कासिम नाम का युवक है जो बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है। उसका इंटरव्यू था 30 तारीख को, जो सुबह उस रादौर का वो रहने वाला है जहाँ किराए पर रहता है, रादौर से उसने यमुनानगर आना था, एक ट्रेन पकड़नी थी और अपने इंटरव्यू के लिए जाना था। तो उस लिहाज से सुबह 4:30 बजे के करीब बस स्टैंड के पास पहुंचता है रादौर। वहां से वो अपना किसी व्हीकल की तलाश में था तो इसी ड्यूरेशन में एक ऑटो पे दो युवक जो थे वो वहां पे आते हैं और उसको पूछते हैं भी कहां जाना है। तो उसको बताता है मेरे को यमुनानगर जाना है। वो लिफ्ट लेके और उसको यमुनानगर वाली साइड ले आते हैं। तो उसके बाद हरिपुर कम्बायान एक गाँव पड़ता है, उसके गाँव के रकबे के पास जाकर उसके साथ इन्होंने मारपीट करी, उसके सिर में राड वगैरह मारी, उसके चाकू से भी उसके फेस पे प्लस सिर पे वार किए और उसके पोजीशन से 260 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन टच वाला और उसका बैग छीन के वो ले गए उसको उसी हालत में छोड़ के, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करी, FIR नंबर 44 सेम डे। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अभी मामला गंभीर होने के कारण खुद इस पूरी स्थिति का जायजा लिया और जितनी भी हमारी क्राइम टीम्स हैं प्लस सदर की टीम है या जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी ने इसमें अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके और इस वारदात के पीछे